हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से अपना खुद का एक ऑनलाइन टूल बना सकते हो। आज जो टूल हम बनाने वाले हैं या जिस टूल की स्क्रिप्ट हम चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं वो है ऑडियो रिकॉर्डर टूल। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, फोन्स के अंदर जो है एप्स गायब होते जा रहे हैं। लाइक अभी जब आप न्यू फोन लोगे सैमसंग का कोई भी, तो आपको जो है ऑडियो रिकॉर्डर टूल उसमें इनबिल्ड नहीं मिलेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से कोई इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि आप जो है वेबसाइट यूज कर सकते हो ऑनलाइन। गूगल पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो ऑडियो रिकॉर्डर टूल आपको प्रोवाइड करती है, आप वहां पे रिकॉर्ड करके डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो ऐसा ही ऑडियो रिकॉर्डर टूल मैं आपका बनवाने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैट जीपीटी हमें पूरी स्क्रिप्ट देगा कि कैसे हम टूल बनाएंगे एंड उस स्क्रिप्ट का टूल करके हम जो है उस टूल को क्रिएट करेंगे। जो भी लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे, हमारे टूल को यूज करेंगे, उनके थ्रू हम रेवेन्यू अर्न करेंगे। देखिए, मोनेटाइजेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ट्रैफिक के ऊपर होना चाहिए कि अगर आपने कोई टूल बिल्ड कर लिया तो आप वहां पे ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे, राइट। अगर आपने ट्रैफिक ला दिया तो फिर मोनेटाइजेशन आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, वो तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, राइट। क्योंकि गूगल खुद चाहता है कि वो एड शो करे। पहले आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो लाइए, गूगल तो एडवर्टाइज लगाने के लिए ही तो बैठा है, राइट। सो वीडियो को कंप्लीट देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि ऑडियो रिकॉर्डर टूल को कैसे बनाना है और चैट जीपीटी इसकी स्क्रिप्ट हमें कैसे लिख के देने वाला है। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे वीडियो पहले से वॉच करते हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो फ्रेंड, शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, पहले मैंने चैट जीपीटी को कमांड दिया कि राइट ए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव कोड फॉर ऑडियो रिकॉर्डर टूल इन HTML विद JavaScript इन वन पेज। सो चैट जीपीटी ने हमारे कमांड के अनुसार यहाँ पे हमारे लिए ये कोडिंग करके तैयार कर दी। आप चाहे तो दोबारा इससे कोडिंग करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड सेवन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए दोबारा यहाँ पे कोडिंग करना शुरू कर देगी। आप देख सकते हैं, सी योर हेयर एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेस्पॉन्सिव HTML कोड फॉर एन ऑडियो रिकॉर्डर टूल यूजिंग JavaScript दैट कैन बी पलेस्ड ऑन ए सिंगल पेज। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लाइव हमारे सामने ये कोडिंग हो रही है। अगर यही कोडिंग आप किसी डेवलपर से करवाते तो उसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते मिनिमम, और ये कोडिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इस वीडियो को पूरा देखने पर। So, देखिए, अब हर कोई तो इस पर्टिकुलर कोडिंग को करवा नहीं सकता चैट जीपीटी से, बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एंड ये कमांड देते हैं चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी आपको ये स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स बना के देगी, राइट। दूसरा अल्टरनेटिव इसका क्या है, आप आएंगे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर जहां पे आपको ये ऑडियो रिकॉर्डर टूल मिलेगा एंड यहां पे क्लिक करके आप जो है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को कॉपी कर पाओगे या डाउनलोड भी कर पाओगे। ये वेबसाइट है talentwisefree.blogspot.com। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है आपको फ्री में मिलने वाली है, बेसिकली डिजिटल कंटेंट आपको फ्री में मिलने वाला है यहाँ पे। तो वेबसाइट को भी जरूर आप विजिट करके देखिएगा। यहाँ पे जब आओगे तो फ्री टूल स्क्रिप्ट के अंदर आपको ये टूल्स मिल जाएंगे, होम पे भी मिल जाएंगे, आप यहाँ पे सर्च करके भी इन्हें जो है फाइंड आउट कर सकते हो। सो चलिए इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, करंटली मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको टूल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कोड कॉपी करने का जो है एकदम क्लियर कट ऑप्शन अवेलेबल है आपके सामने। चैट जीपीटी भी ये चीज अच्छे से समझ रहा है कि इसका यूज जो है लोग किस पर्पज से कर रहे हैं, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी हमारे बेनिफिट के लिए यहाँ पे कॉपी कोड का ऑप्शन दिया हुआ है ताकि वन क्लिक में कोई भी इस कोड को कॉपी कर पाए। So, सबसे पहले आपको आना है गूगल के ऊपर जहां पे हम अपनी खुद की वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। वेबसाइट होगी ब्लॉगर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉगर के ऊपर आपको कोई भी डोमेन या होस्टिंग बाय नहीं करनी पड़ती है। आप डायरेक्ट क्लिक करोगे इस लिंक पे तो ये इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे जब आप क्रिएट योर ब्लॉग या साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके सारे जीमेल्स आ जाएंगे। आपको उनमें से किसी भी एक जीमेल को सेलेक्ट कर लेना है। बेसिकली जिस जीमेल से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो या लॉगिन करना चाहते हो उस जीमेल को सेलेक्ट कर लेना है।
जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो ये इंटरफेस आएगा आपके सामने, जहां पे आपको अपने ब्लॉग के लिए एक नेम सेलेक्ट करना है। सो हम यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डर टूल बना रहे हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डर ही हम यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें अपने ब्लॉग के लिए एक यूआरएल सेलेक्ट करना है। सो ऑडियो रिकॉर्डर मैंने यहाँ पे यूआरएल बना लिया, ऑडियो रिकॉर्डर 43.blogspot.com, ये हमारी वेबसाइट का नेम होने वाला है। तो इसको मैं यहां से सेव कर दिया हूं, तो हमारा ब्लॉग जो है क्रिएट हो चुका है। अब आएंगे हम यहाँ पे थीम सेगमेंट के अंदर एंड कोई अच्छी सी थीम यहाँ पे लगा लेंगे। लाइक मैं जो थीम लगाने वाला हूँ वो ये वाली थीम है, आप अपने हिसाब से देखिएगा आपको कौन सी सही लगती है। बट हाँ, मैंने काफी थीम्स को ट्राई किया है, ये थीम आपको वाकई में पसंद आएगी अगर आप इस थीम को यूज करते हो तो। नेक्स्ट आपको आना है सेटिंग्स के अंदर एंड सेटिंग में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है। अगर आप ऑडियो रिकॉर्डर टूल बना रहे हैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 508 कैरेक्टर तक डाल के सेव कर लीजिएगा। अगर आप वर्ल्ड वाइड रैंक करना चाहते हो तो यहाँ पे इंग्लिश यूके की जगह से आप जो है इंग्लिश जो है बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड वाली इंग्लिश जो है आप सेव करिएगा, राइट। और इसके अलावा आप फेविकॉन बना के यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करना है आपको एंड कमेंट मॉडरेशन में आप ऑलवेज करके सेव कर दीजिएगा। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करना है आपको टाइम जोन यहाँ पे देखिए, हमने लॉस एंजलिस का ही रहने दिया है। अगर आप सिर्फ इंडिया में रैंक करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ से इंडिया का टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको मेटा टैग का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको इनेबल कर देना है एंड सर्च डिस्क्रिप्शन में 150 कैरेक्टर तक अपने मेटा टैग डाल देने हैं। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग इन ऑप्शन पे आके इनेबल कस्टम रोबोट टैग्स करना है एंड इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स इनेबल कर देना है, राइट। इतना ऑप्शन आप करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर दीजिएगा। मोनिटाइजेशन के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 5 पेजेज बना लेने हैं, अबाउट अस, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे। उसके बाद आप अर्निंग में जाके अपने एडसेंस अकाउंट से इसको लिंक कर दीजिएगा, आपको कोड मिल जाएगा, आप कोड कॉपी करके अपने HTML में लगा लीजिएगा थीम में, यहाँ पे देखिए एडिट HTML में, एंड उसके बाद आपको जो है अप्रूवल मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे न्यू पोस्ट पे आपको क्लिक करना है और अब मैं आपको यहाँ पे लाइव टूल बना के बताता हूं। सो देखिए यहाँ पे हम अपना टाइटल लगा देते हैं, टाइटल हम लगाएंगे ऑडियो रिकॉर्डर टूल। सो ऑडियो रिकॉर्डर हम यहाँ पे लगा लेते हैं एंड लेबल हम लगा लेंगे टूल नेम से यहाँ पे, एंड जो आपने अपना टाइटल रखा है वो सेम चीज आप यहाँ पे कस्टम परमालिंक में ऐड कर देंगे कुछ इस टाइप से। एंड जो नीचे यहाँ पे आपको चर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे अपने मेटा टैग आप डाल देंगे। जो भी टूल, जो भी ब्लॉग आप बना रहे हैं, यहाँ पे अगर टैग डालेंगे तो आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आना है आपको चैट जीपीटी पे या फिर इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। देखिए चैट जीपीटी पे आप वन क्लिक में कॉपी कर पाएंगे, इस वेबसाइट से कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये ऑडियो रिकॉर्डर टूल है, आपको इस पे क्लिक करना होगा। ऑडियो रिकॉर्डर टूल क्या होता है उसके बारे में चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे एक PDF मिलेगी, उस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हो एंड कॉपी भी कर सकते हो। कैसे कॉपी करना है चलिए मैं आपको बताता हूं, राइट। सो जस्ट वेट एंड वॉच, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि PDF लोड हो रही है। बेसिकली कोडिंग है, कोई मजाक नहीं है, तो टाइम लगता है यहाँ पे। तो देखिए कुछ इस टाइप से ये PDF आपके सामने आएगी, यहाँ से आप वन क्लिक में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको ये सेलेक्ट करके कॉपी करके वहां पे पेस्ट करके बताता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके Ctrl+C के साथ कॉपी कर लेना है, या फिर डाउनलोड करके भी आप जो है इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर आना है आपको यहाँ पे ब्लॉगर के अंदर एंड ये पूरी कोडिंग आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है कुछ इस टाइप से। अब आपको यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है एंड कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा ब्लॉग जो है यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अब आप यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे या फिर जो आई बनी हुई है यहाँ पे इस आई पे क्लिक करेंगे, दोनों ही कंडीशन में ये आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। तो देखिए कुछ इस टाइप से आपकी वेबसाइट अभी करंटली शो हो रही है। देखिए जो कोडिंग हमने यहाँ पे पेस्ट की है वो एकदम सिंपल कोडिंग है। अब आप चाहे तो इसमें CSS एंड और भी कोडिंग ऐड करके इसके इंटरफेस को जो है
अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बट एक नॉर्मल बेसिक ऑडियो रिकॉर्डेड टूल हमने यहाँ पे बिल्ड कर लिया है। देखिए इतना भी फ्री में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिए अगर कोई ये स्क्रिप्ट आपको फ्री में दे रहा हो तो। सो यहाँ पे देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपको माइक्रोफोन को अलाउ कर देना है, क्योंकि माइक्रोफोन अलाउ नहीं करोगे तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी। सो अलाउ करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है काम करना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करके। सो आप यहाँ पे इसको प्ले करके भी देख सकते हो, राइट। ये जो है 4 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कर दी है। डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे, ये जो डाउनलोड बटन आपको शो हो रहा है, 1 क्लिक में ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे ये हमारे सामने हमारी रिकॉर्डिंग जो है डाउनलोड हो चुकी है। आई होप आप इस चीज को इजीली यहाँ पे समझ चुके हो कि कितना सिंपल प्रोसेस है ये, जिससे आप अपना खुद का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग टूल बिल्ड कर सकते हो। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई चैट जीपीटी की मदद से इतना यूजफुल टूल बना के पैसे कमा पाए। देखिए मोनेटाइजेशन से आप पैसे कमाओगे ये एक डिफरेंट चीज है, बट आपके पास पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं। आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा के इनको आगे अलग अलग वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं जिनको इनकी जरूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।